हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे के कहानी पढ़ेंगे। ठीक है। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की पुस्तक मिली। वे पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पढ़कर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था किसकी कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। जब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती और फिर ये पुस्तक नई की नई रहती। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वे पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से ये पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वे सब याद करना होता है जो वे मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर हमें समझाती है। एक विषय पूरे होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वे इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगती थी तब तो उसकी माने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। जब तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन ये मनाया था कि वे आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने उसकी गति को धीमी कर दी है उसे सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन भी उस मशीन अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है, क्यों नहीं। वे बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विषय भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अलग प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे। हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में कैसे संभव होता था, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने तो तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी भी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। जब आप समय आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वे सोच रही थी कि कितने अच्छे होते वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन के स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो जैसे कि ये जो कहानी है वे दिन भी क्या दिन थे, ये आइज़ैक असिमोव द्वारा रचित की गई है
और इसमें बताया गया है कि पहले के दिन कैसे थे, पहले का वक्त कैसा था, पहले के स्कूल कैसे थे, कैसे पढ़ाई होती थी। और ये दो भाई बहन कुम्मी और रोहित दोनों आपस में बातें कर रहे हैं जब रोहित को एक किताब मिलती है जिसमें पुराने वक्त के बारे में लिखा होता है कि पहले किताबें कैसे होती थी, पहले किताबें कैसे पढ़ी जाती थी, पहले स्कूल कैसे होते थे, पहले पढ़ाई कैसे होती थी, अगर स्कूल नहीं थे तो, इन सब चीज़ों के बारे में उस किताब में लिखा होता है जो कि पढ़ते हुए वो उसे अपनी बहन कुम्मी को सुनाता है। और कुम्मी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि क्या सच में पहले इस तरीके से था, पहले स्कूल जाते थे बच्चे और एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। वो इन सब बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाती है होती है कि पहले का वक्त कैसा था। और वो इस किताब को पढ़ना चाहती है कि मैं भी जानना चाहूँगी कि पहले स्कूल का वक्त कैसा था, पहले बच्चे कैसे पढ़ते थे, कैसे स्कूल जाते थे, इन सब बातों के बारे में भी जानना चाहती हूँ। क्योंकि इस वक्त जो कुम्मी और रोहित पढ़ाई कर रहे होते हैं वो एक मशीन द्वारा कर रहे होते हैं जिसमें टीचर मशीन पढ़ा रही होती है, यानी रिकॉर्डिंग उसमें हुई होती है, मशीन पढ़ा रही होती है और उसी में नंबर्स लिखे आ रहे होते हैं। इसलिए कुम्मी और ज़्यादा हैरान होती है कि अब तो हम मशीन से पढ़ रहे हैं, मशीन हमें चैप्टर पढ़ा रही है, मशीन ही हमारा सारा वर्क करा रही है, लेकिन पहले टीचर्स आकर ये काम कराते थे, पहले बुकें होती थी उसके अंदर सारे वर्ड्स या सारे शब्द लिखे होते थे और हम उससे पढ़ते थे, उससे समझते थे। ठीक है, तो ये कहानी, इस कहानी में ये चीज़ बताई गई है। इस कहानी को आप पढ़िएगा, आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो पुराने पहले वक्त की हमें नहीं पता कि पहले क्या होता था, कैसे स्कूल पढ़ा जाता था, कैसे टीचर्स पढ़ाते थे, क्या होता था, और भी बहुत सी बातें होती हैं। वो सारी हमें किसके ज़रिए पता चलती हैं, किताबों के ज़रिए, ठीक है, पुस्तक के ज़रिए। पुस्तकों में सारी पुरानी बातें लिखी होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ पहले के वक्त में ऐसा हो चुका है, ऐसा हुआ था, ऐसी पढ़ाई होती थी, ऐसे लोग रहते थे, हर चीज़ के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब होमवर्क देखते हैं। तो हमारा होमवर्क है, सबसे पहले पहला प्रश्न, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वे कब छपी होगी। दूसरा, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच ऐसा होता है। तीसरा, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों। चौथा, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। और प्रश्न पांच, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे अध्यापक की मदद से, दोनों के पढ़ने पढ़ाने में किस तरह का की सरलता और कठिनाइयां हैं। ठीक है, ये पांच क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। तो प्रश्न पहला, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी कब छपी होगी। तो इसका उत्तर है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वे आज के जमाने में छपी होगी। प्रश्न दो, हाँ सचमुच ऐसा होता है, कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं जिससे वे बेकार हो जाती हैं। ठीक है, प्रश्न तीन का उत्तर, हम कागज की पन्नों की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि वे हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने में भी आसानी होती है। प्रश्न पांच, हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे, अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं लेकिन साथ ही मशीन पढ़ाई से विषयों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, प्रश्न आपका फिर है कल, आज और कल में से पहला दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीन ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीजें कैसी होंगी। तो इसका उत्तर देखिए, पेन बहुत सालों बाद पेन लेजर किरणों वाले हो सकते हैं जिनसे दूर से लिखा जा सकेगा। दूसरा, घड़ी बहुत सालों बाद घड़ी कंप्यूटर के माध्यम से चलेगी और शायद उसमें सुइयां भी ना हो। और तीसरा, टेलीफोन मोबाइल बहुत सालों बाद टेलीफोन मोबाइल का आकार काफी छोटा हो जाएगा, साथ ही इसमें काफी सुविधाएं भी होंगी। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है इन चीजों के बारे में कि ये चीजें कुछ सालों बाद कैसी होंगी। शब्दार्थ है इस लेसन के, रफ्तार यानी गति, चाल, पृष्ठ यानी पन्ना, आरंभ, शुरू, सबक, पाठ, पश्चाताप, पश्चात, बाद, उत्सुकता, कुछ जानने की के लिए उत्सुक होना, सदियों पहले, वर्षों पहले यानी सालों पहले। तो ये आपका चैप्टर शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ यहाँ कंप्लीट होता है। सारा वर्क आप अपनी होमवर्क में नोटबुक में नोट करेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे ताकि आपको भी कुछ जानने का समझने का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपको याद भी करने हैं, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर आप अगर आपके प्रश्न उत्तर में याद करने के अलावा आप खुद अपने माइंड से सोच के भी इसमें उत्तर लिख सकते हैं कि कुछ सालों बाद अब आज के वक्त में पेन या पेंसिल ऐसा है, फोन हमारा ऐसा है, तो आने वाले वक्त में ये चीज में क्या बदलाव आएगा, कैसा होगी ये चीजें। तो ऐसे प्रश्न आप इनके उत्तर अपने पास से सोच कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा वर्क आपको अपने होमवर्क की कॉपी में नोट करना है। इसी के साथ ये प्रश्न दो कल और आज भी ये मैंने आपको अभी करा दिया है।
और ये वाला आपको होमवर्क में करना है। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका दाम क्या है। आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध, ठीक है। तो ये आपको अपनी होमवर्क की नोटबुक की कॉपी में नोट करना है, नोटबुक में नोट करना है। तो इसमें क्या बताना है आपको, अपने बड़ों से पूछकर आपको बताना है कि आलू पहले के वक्त में कितने दाम थे इसके और अब में क्या है 20 साल पहले लड्डू के, चावल के। तो इन सबके दाम आप पता करके अपने बड़ों से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना। बाकी मैंने आपको होमवर्क करा दिया है, प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने के साथ साथ इसे याद भी करना है, ठीक है। थैंक यू।